subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस तरह आपने जो allegations लगाए हैं शायला रसीद पे जो funding का है, किस तरह से funding होती है उस पे अगर थोड़ा बताएं। देखिए funding का मैंने इस तरह बताया है कि ये जो दो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, रशीद इंजीनियर और फिरोज वटाली, मैंने उसका रेफरेंस इस तरह दे दिया है कि वो दोनों जिन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की है, फिरोज पीरजादा बाहर है जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, वो दो अगर नेशनल एनआईए की कस्टडी में है, किस चार्जेस के अंडर वो कस्टडी में है, मैंने यही कहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि मेरी बेटी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसकी जांच की जाए मैंने क्या गलत कहा है। तो आप कह रहे कि उनको भी फंडिंग आती थी शैला रशीद? नहीं, अगर जहूर वटाली और रशीद इंजीनियर टेरर फंडिंग के केस में बंद हैं तो नेचुरली अगर ये उनकी पार्टी में हैं तो बात सीधी है, इसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगाना है क्या है। बाकी वो आजकल मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशंस लगाती है, वो करती है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने बात रख दी है उसकी पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, फिर मैं वो एलिगेशंस की सारी मतलब जितनी भी स्टोरी है इसकी उसका रिप्लाई करूंगा। कल मैंने डीजी साहब के पास एक कंप्लेंट डाली हुई है, उस कंप्लेंट में मैंने एक्सक्लूसिव प्रेस को भी एक कॉपी दे दी है। मैं चाहता हूँ कि एक बार ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए भले ही मैं अपोलिटिकल आदमी हूँ लेकिन मैं कश्मीरी हूँ ना, मेरे कंसर्न्स हैं, अगर हमारे बच्चे वहाँ ज़ाया हो रहे हैं इसमें मेरे कंसर्न्स हो सकते हैं, भले ही मैं कोई पॉलिटिकल लीडर ना हूँ, तो देखना हमें भी, हम सबको देखना है ना ये कर क्या रहे हैं यहाँ। आपने ये भी कहा कि थ्रेट है आपको निकाला, मैं भागा यहाँ इसीलिए आया है ना, जब मैंने कोर्ट से रेस्टोरेशन का ऑर्डर लाया मैं सीधा SHO कंसर्न के पास गया, क्योंकि उस ऑर्डर में डायरेक्शन था SHO को कि फलाना आदमी को रेस्टोर किया जाए घर में, इवन यह तक कहा गया था कि ग्राउंड फ्लोर में इसको रेस्टोर किया जाए, तो SHO ने कोई किसी तरह का कोई मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं किया, बल्कि मुझे अकेला छोड़ दे, मैंने कहा मैं अकेला जाऊं घर में घुसने के लिए, कहा चले जाओ, तो इतने में उनको फ़ोन किया होगा कि ये घर में जाने वाला है, तो 3-4 लोग आ गए, उनमें से एक बॉडीगार्ड है इसका साकिब, उसने मेरे को पिस्टल दिखाई, कहा जी आपकी खैरियत यही है कि आप घर में घुसने की कोशिश मत करो, वहाँ ताले बदल दिए थे, मैं घर से निहत्ता नंगा निकाला है इन्होंने, ना कपड़े हैं मेरे पास ना कुछ है। तो इसका कंप्लेंट आपने? कंप्लेंट पूरी सारी शिकायतें मैंने की है डीजी को, और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि हम आपको पूरी सहायता करें।